लो जी अभी आए नहीं होगा आए हुए आए जबरदस्त 95 FM आपके अपने गुलाटी ब्रदर्स कैंपिंग और रितेश मतलब लाइव की फील अलग ही होती है बिल्कुल भाई और आ जाओ लाइव पास आ रहे हैं हमारे क्रिएटर माइंड वैसे तो जिसके एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में सबसे से बात करना है क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग है और आपने सुना ही होगा कि 25 लाख दे के आपको मिलेंगे हर महीने कितने 25,000 मतलब जिस प्रोजेक्ट का नाम ही है सोना मतलब आप समझ रहे हो सोने पे सुहागे वाला प्रोजेक्ट है ये गोल्डन आई बिल्कुल जो आपको दिखाते एक बार ये देखो गोल्डन आई जो कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कमर्शियल प्रोजेक्ट मींस इट्स अ बिजनेस हब ऐसा हब जहां पे बिजनेस ही करता धरता इस टाइम पे तो सेल्स के हैं सारे के सारे सर हैं सर को प्रणाम है सर हाँ जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो बस सही रेट दे देना है डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें मैं मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है मैं वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हूँ गोल्डन आई के लिए आइए मैं आपको प्रोजेक्ट विजिट कराता हूँ बाकी बात नहीं होगा लेकिन कुछ फाइनली जिस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं गोल्डन आई के बारे में कि आप इन्वेस्ट करें इसमें 25 लाख और 25,000 आपको हर महीने महीने लग जाएगा उस प्रोजेक्ट पे हम लोग आ चुके हैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे पीछे वही प्रोजेक्ट है और सर हमारे साथ हैं क्या है सर शोरूम्स ये जो एकदम नीचे सामने है ये ठीक है तो ये शोरूम है जी दीज आर द बिग शोरूम्स जो कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्क्वायर फीट के हैं 5,000 स्क्वायर फीट भाई साहब इतना बड़ा एरिया एक शोरूम का जो पूरे क्षेत्र नोएडा में मुश्किल ही मिलेंगे तो वो हम चीज़ डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे क्या बात है और जो ऊपर आपने पूछा ऊपर ये ऑफिसेज हैं ऑफिसेज हमारे पास दो प्रकार के हैं एक लॉकेबल और अनलॉकेबल तो ये वाले जो आप देख रहे हैं ये अनलॉकेबल ऑफिस है सर हमारी जो जनता है इसको एक आज चीज़ क्लियर करें कि जो ये अनलॉकेबल लॉकेबल में डिफरेंस आम आदमी के समझ में शायद ना आता हो आप बता दीजिए ये क्या होता है व्हेन वी से लॉकेबल ऑफिस तो लॉकेबल का मतलब होता है लॉक एंड की आपने लॉक किया और की आपके पास है अनलॉकेबल जब हम बात करते हैं अनलॉकेबल ऑफिस होते हैं जिसको हम वॉल्स से सेग्रीगेट नहीं करते पूरी फ्लोर प्लेट कॉमन रहती है तो मैं प्लेट से मतलब समझा दूँ प्लेट इनकी लैंग्वेज में रियल स्टेट होता है पूरा का पूरा फ्लोर यस ठीक है तो पूरा का पूरा फ्लोर में वॉलिंग नहीं होती बाकी जैसे बड़े बड़े आईटी हब्स होते हैं बड़े बड़े जैसे गूगल हो गया गूगल हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया तो अगर आपकी कंपनी भी इतनी बड़ी है तो आपके लिए इतनी बड़ी भी अगर मतलब आपके दिल में है कि आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको पता है गोल्डन आई इज द प्लेस फॉर यू सो आने वाले पे अनलॉकेबल और लॉकेबल है
ऑप्शन आपके पास। और सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मेरे कुछ कुछ मीटर ने मैंने ना फोन किया था क्योंकि हम इतने टाइम से वीडियो पे बात कर रहे हैं दोनों कैंपियर देश के, भाई 25 लाख इन्वेस्ट करो 25 लाख दे दो। मैंने बार बार ये बात भी बोल दी फेसबुक लाइव पे, तो हर एक जानना चाह रहा है और सर मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कितना ज़्यादा था। बैग भी लाए, गाड़ी में पड़े हैं, चेक लाए हैं, चेक लाए हैं, एक आगे चेक लाए हैं। चलो आपको प्रोजेक्ट में ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ इस बारे में बात करते हैं कि क्या चीज है। देखो ना कितना वाइड एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे। पूरे दिल्ली एनसीआर में सर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपको भी मिलेगा। आप कहीं भी दिल्ली किसी भी कमर्शियल हब में चले जाओ, कोई कंजस्टेड ना पार्किंग है, ना आपका स्पेस है, छोटे छोटे शोरूम है, उनमें सब कुछ कॉम्पैक्ट हो रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा शोरूम होगा, ये ग्रेट थिंग फॉर योर बिजनेस यार। सर अगर कोई आप इन्वेस्टर है किसी सेफ जगह पैसे लगाना चाहते हैं, कहते हैं आप डर एक होता है ना दिल के अंदर, नहीं तो गोल्डन आए ट्रस्टेबल यहाँ पे पैसे लगा के आप खुश हो। और क्या क्या चीज़ें आ गई, ये तो शोरूम के साथ हम खड़े हैं 5,000 square feet का, कितना 5,000 square feet का ये शोरूम है। सो इसके अलावा आपको मैंने ऑफिस बताया, ऑफिस हमारे पास दो तरीके के हैं, लॉकेबल एंड अनलॉकेबल, उसका डिफरेंस मैंने आपको पहले लॉकेबल। इसके अलावा हमारे पास शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर पर, ये SEOs हम लोग बना रहे हैं। SEOs होते हैं शोरूम कम ऑफिसेस, शोरूम कम जहाँ पे लैंड भी आपका होता है और टेरेस भी आपका होता है, तो वो एक प्लॉट होता है जिसपे हम G+4 कंस्ट्रक्ट करके लिफ्ट विफ्ट लगा के पूरा तैयार करके देते हैं, और एक कोई भी आदमी ले सकता है जिसमें अपने ऑफिस शोरूम कम ऑफिस जो जिसकी बात करी है अभी सर ने, वो सामने आप देख रहे हो ये जो जहाँ पे ये लेबर लगी हुई है, ये पूरा एरिया सर ऐसे कितने बिल्डिंग्स होंगी जो या फिर ये प्लॉट होगा पार्ट से मिलेगा। 19 SEOs हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम पूरे लैंड पार्सल की बात करें तो ये 25 एकड़ में स्प्रेड है, गोल्डन आए पूरा जी, जिसमें शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, SEOs हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, आपके लॉफ्ट्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट सुइट्स हैं, और हॉस्पिटैलिटी के लिए जगह। मतलब अगर ये कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट अगर एक क्रिकेट टीम है तो ये गोल्डन है, पांड्या है, ऑल राउंडर, यहाँ पर सब कुछ है, रेजिडेंशियल है, आपको कमर्शियल मिल रहा है, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट, ऑफिसेस, शॉप, एवरीथिंग। और आपका टेस्ट कुछ भी हो, आपको दिल्ली की लेमन लैंग्वेज में बताऊँ ठीक है, यहाँ पर आप सर ना क्योंकि जितने भी पैसे लगाने वाले होते हैं ना, कहते हैं यार हमें पुराने तरीके से मिलता, तो पुराने तरीके से बात करें तो जड़ से आपका होगा, नीचे शॉप आपकी, ऊपर शोरूम आपका, ऊपर टेरेस आपका। अब आपकी मर्जी, आपने इन्वेस्ट करना है या वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको आगे किसी और को लीज पे देना है। पर अपना ये जो सिस्टम है गोल्डन आई का पूरा, ये कैसे वर्क करेगा, ये लीज पे मिलेगा मोस्टली या फिर सब मेन के लिए है, कैसे लोअर ग्राउंड जो देख रहे हैं या इसमें सारे एक्सपेंसिस आएंगे जो कि हमने लीजिंग के लिए रखा है, बाकी जो आपको अनलॉकेबल ऑफिस बताए वो लीज के लिए है, बाकी सारा अवेलेबल है।
वो हम सेल कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको रितेश जरूर बताना चाहूँगा एक बात, जितना कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये लास्ट 2 ईयर्स में हम लोगों ने बनाया है ऑलमोस्ट 20 लाख स्क्वायर फीट, विच इज़ एन ग्रेट अचीवमेंट ऑल टुगेदर डिस्पाइट ऑफ कोविड सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, उसके बावजूद भी हमने खड़ा किया है। लॉकडाउन में क्या होता है, दो ही लोगों ने तरक्की करी है, एक नितिन गडकरी के उसने रोड प्रोजेक्ट ने और दूसरा गोल्डन आई ने, बिल्कुल आप दोनों ने दबा के लोगों के लिए काम करा है। दिक्कत हमें नहीं आई क्योंकि, और मेन चीज़ आती है किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की, कहीं पर बात करो कनेक्टिविटी, उन्हीं का ये विजन है कि कस्टमर फर्स्ट, सबसे पहले कस्टमर, तो आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ही नहीं, हम कस्टमर डिलाइट के लिए काम करते हैं। दूसरा उनका ये मानना है कि कंस्ट्रक्शन आपको देखिए पता चल रही है, जब बता रहा हूँ कि 20 लाख स्क्वायर फीट हम लोगों ने 2 साल में बनाया है, तो उन्होंने एक बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की है मेटा मार्केट और किया है, और उनका ये मानना है कि इस बेंचमार्क को हम ही लोग तोड़ेंगे, हम ही लोग ब्रेक करेंगे आगे, हो सकता है आने वाले टाइम में हम एक डेढ़ साल में, एक साल में कम्प्लीट कर, तो दैट इज़ अंग इज़ अ कमिटमेंट, वो जो भी कमिटमेंट हमारा होता है, चाहे हमारे पास इन्वेस्टर हो, हमारे साथ एंड यूजर हो, सबसे जो भी कमिटमेंट होते हैं हमारी कंपनी गोल्डन आई जरूर पूरा करें। तो दो चीज़ें सर, एक पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जब हम लेडी को बात करें स्टार्ट करें तो हमें टैगलाइन पता लगी थी गोल्डन आई, शॉप लिव और एंटरटेन, तो शॉप समझ में आ गया, बता रहे आपके शॉप का आप शॉपिंग करो, ठीक है, वर्क समझ में आ गया, आपके ऑफिस खुल रहे हैं, एंटरटेनमेंट आपने बताया कि फूड कोर्ट वगैरह आ रहे हैं, लिव समझ में नहीं आया, ये टैगलाइन में लिव क्या है? आप देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग, दिस इज़ अ ग्राउंड प्लस 24, ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, जो कि ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, जिसका हम पोजीशन फर्स्ट फेस में देने जा रहे हैं, तो ये रेजिडेंशियल टावर्स हैं, और इसके एडजेसेंट जो आप टावर देख रहे हैं, ये लॉफ्ट स्टूडियोज जो हम 1BHK बना रहे हैं, वो टावर बना रहे हैं, तो ये 2 टावर रहने के लिए हैं। तो मतलब आप गोल्डन आई में आप चाहते हैं कि बाहर जाए ना, एक बार गोल्डन आई में आ जाए, वही उसका दुकान हो, वही उसका मकान, उसका ऑफिस ही है, आप नहीं काम करते हैं तो आएंगे ना, और इतना ही नहीं, फेज 2 में इवन क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी होटल भी निकल रहे हैं, मतलब बता रहे होटल भी कमी रह गई है, वो भी यहाँ पे अच्छा, एक आप लोग होटल भी देखें। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, जो सर ने अभी बताई कि जो लोअर ग्राउंड होगा वहाँ पे सिर्फ शॉप होगी, यानी कि अगर आपको कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लीज पे ले सकते हैं, और बाकी जो है वो सेलेबल है, तो आप अगर चाहते हैं कि यार प्रॉपर्टी अपनी हो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा और है जो कस्टमर के फायदे के लिए है, जो मैंने नोटिस करा है कि अगर लीज पे है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी गोल्डन आई के पास है, अगर प्रॉपर्टी गोल्डन आई के पास है तो प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस जितनी आपके लिए ज़रूरी है उतनी ही गोल्डन आई के लिए भी ज़रूरी होगी, तो इट्स अ बिग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरीबडी। अभी हम खड़े हैं शोरूम से जो 5,000 स्क्वायर फीट के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5,000 स्क्वायर फीट के, और इसके ऊपर जो है हमारे अनऑक्यूपेबल ऑफिस हैं, और सामने आपने बताया T3 बोलते हैं हम इसको, Tower 3, दिस इज़ अगेन अ लॉकेबल ऑफिसेस, ये भी देखिए आप पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अगर मैं बात करूँ इसके पोजीशन का, तो हम लोगों का मानना है कि जून 2022 में हम फेस 1 की डिलीवरी लोग। अगर मैं हैबिटेशन की बात करूँ यहाँ पर, तो 3 लाख फैमिली आर एक्सपेक्टेड, अपनी फैमिली रह गई, तो मतलब जो भी आप शॉप खोलेगा उसके लिए क्लाइंटल आएगी। चलो, तो अगर आपका फ्यूचर प्लान है, अगर आप सब चावड़ी बाजार में शोरूम है, ठीक है, या दिल्ली की गलियों में कहीं पे मार्केट के अंदर आप बैठे हैं, और आप कहते हैं यार आजकल आप नहीं आ रहे, आप उत्तर चक्कर
सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ, यहाँ पर विजिट करें, हमारी साइट पर हमारा कंस्ट्रक्शन देखें, हमारी क्वालिटी जज करें और हमारे कमिटमेंट्स को परखें। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार आएँ, यहाँ देखें और हम लोग साथ जुड़ें, हमारे परिवार का पार्ट बनें। दूसरा, ये जितनी भी स्कीम्स जो चल रही हैं, जैसे आपने पूछा था कि ये 25 में 25 क्या है, इसे हम एश्योर्ड इनकम स्कीम बोलते हैं, जो कि अपने आप में उसमें भी हम लोग देखते हैं कि आप अगर एक ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस में 25 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं हमारे साथ, तो हम आपको हर महीना 25,000 रुपया अश्योर्ड इनकम आपको देंगे, और वो भी हम नेशनलाइज बैंक के थ्रू देते हैं SBI, और उसके बाद फिर आफ्टर पोजिशन विल गिव यू द लीज गारंटी ऑफ 10%। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा वी हैव अ गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स विद अस इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आप आइए, आप मिलिए, हम लोगों से मिलिए, हमारी टीम से मिलिए, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग अपने कमिटमेंट करते हैं, जो भी चीज़ें आपसे बात होंगी आपको वही चीज़ मिलेंगी। यहाँ बोल रहे हैं बना में कैंपिंग का नाम ले लोगे ना, तो आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा थोड़ा टू सर। हाँ, कैंपिंग रिलेशन में कहना चाहूँगा, हर बार आप जब भी आएँगे नेक्स्ट टाइम जब आप आएँगे, तो आप यहाँ के आप प्रोग्रेस सेक्शन के खुद जज करें, अगली प्रोग्रेस हम आपको फिर से दिखाएंगे, लेकिन टिल देन कैंपिंग साइनिंग ऑफ राइट नाउ।